सर यहाँ बहुत दिक्कत, लोगों का खतरा, बच्चों का खतरा पड़ता है। कितने खड्डे जो है रास्ते में आपको दिखते सर? इसको भरत रोड से लेकर यहाँ कर 1000 खड्डे हैं। हालत खराब है, कितनी दिक्कतों का सामना आता है जब आपके साथ होता है? कितनी दिक्कत? बहुत मुश्किल होता है, कितनी ज्यादा लगती है। डिलीवरी केस होता है, वो चीखे मारता है, आवाजें मारता है, मार गए। हालत बहुत खराब। कभी ब्लैक टॉपिंग होगी यहाँ पर? नहीं, मुश्किल लगता है हमें। अभी हम ठीक डोडा बस स्टैंड में मौजूद है और बात करें डोडा को लेके तो ठीक हेडक्वार्टर में मौजूद है हम। और डोडा हेडक्वार्टर की क्या कुछ हालात है, क्या कुछ खस्ता हालत सड़कों की है, वो तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाऊंगा। लगातार पहले भी तस्वीरें पहुंचाई कि क्या सड़कों की क्या कुछ हालात है, किस तरह डोडा के अंदर जो है सड़कें हैं, क्योंकि जगह जगह देखने में आ रहा है कि पॉट होल जो है जगह जगह है, यानी खड्डे जो है वो जगह जगह है और हालात जो है सड़कों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं सिटी के अंदर अभी हम मौजूद हैं, बस स्टैंड में मौजूद है। और खाली बस स्टैंड की बात नहीं है, अगर हम नगरी रोड की बात करें, हॉस्पिटल रोड की बात करें, तुंदवा रोड की बात करें, देसा रोड की बात करें, तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं हालात जो है बद से बदतर है। सिटी के अंदर ब्लैक टॉपिंग जो है पिछले कहीं टाइम से नहीं हुई है और उसके बाद हालात इस तरह की बनी हुई है कि अगर बारिश आ जाए तो उसके बाद लोगों का चलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं डोडा बस स्टैंड की, पूरे बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं, पूरे दृश्य जो है आप तक पहुँचाएंगे कि क्या कुछ हालात सिटी के अंदर है, किस तरह के पॉट होल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है कितना मुश्किल है इन गाड़ियों का चलना। आप देख सकते हैं पॉट होल काफ़ी ज़्यादा है, कितनी दिक्कत जो है गाड़ियों को यहाँ पर आती है। आप देख सकते हैं क्या कुछ हालात अभी बनी हुई है, खस्ता हालत में जो है डोडा की सड़कें हैं, डोडा हेडक्वार्टर की सड़कें, और ख़ास तौर पर जो है डोडा सिटी में जगह जगह जो हालात देखने को मिली। आप देख सकते हैं ये ऑटो है, ये बाइक है, ये गाड़ी जो भी यहाँ से चलती है, कितनी दिक्कतों का सामना जो है इनको करना पड़ता है। और पिछले कई टाइम से देखा ये गया कि डोडा हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। जगह जगह देखने को मिलता है कि ब्लैक टॉपिंग तो हो रही है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग जहाँ पर होनी चाहिए थी सिटी में भी होनी चाहिए थी, लेकिन सिटी के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सिटी के अंदर जो है खस्ता हालत में है। आप देख सकते हैं कोई भी अगर यहाँ से चलता है, उस तरफ से चले, इस तरफ से चले, हालात काफ़ी ज़्यादा खराब। ये देख सकते हैं ऑटो ड्राइवर्स को कितनी दिक्कत होती है। जनाब कितनी दिक्कत आपको आती है सर? यहाँ बहुत दिक्कत, लोगों का खतरा, बच्चों का खतरा पड़ता है। कितने खड्डे जो है रास्ते में आपको दिखते सर? इसको भरत रोड से लेकर यहाँ कर 1000 खड्डे हैं। हालत खराब है, कितनी दिक्कतों का सामना आता है जब आपके साथ होता है? कितनी दिक्कत? बहुत मुश्किल होता है, कितनी ज्यादा लगती है। डिलीवरी केस होता है, वो चीखे मारता है, आवाजें मारता है, मार गए। हालत बहुत खराब। कभी ब्लैक टॉपिंग होगी यहाँ पर? नहीं, मुश्किल लगता है हमें। नहीं लगता है, इस हुकूमत के दौर मुश्किल लगता है हमें। डीसी साहब से क्या उम्मीद है? हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि अगर वो इसको नजरसानी करेंगे तो बहुत अच्छी बात थी। दिक्कत काफी ज्यादा, बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत। आपने देखा ऑटो ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना है, दिक्कत काफी ज्यादा है। देख सकते हैं आप, लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि हालात काफी ज्यादा खराब है, मुश्किल जो है यहाँ पर चलना है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ड्राइवर्स यहाँ पर है, देखिए आप सकते हैं कि इनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि डोडा सिटी के अंदर जगह जगह जो है पॉट होल देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर विभाग की बात करें तो आर्मी विभाग देखने में आता है कि जब भी पॉट होल जो है ज़्यादा यहाँ पर होते हैं तो थोड़ा बहुत उनको फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि अगले दिन ही जो है वो सारी ब्लैक टॉपिंग जो है उठ जाती है और ये हालात इस तरह की बन जाती है। और उसके अलावा सिटी को लेके जो अभी हालात है, जिस तरह आप लगातार सुनते आ रहे थे कि क्लॉक टावर से लेके वाई जंक्शन तक दफा 144 जो है लगाया गया है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा डोडा बस स्टैंड से, पूरे भरत रोड की क्या कुछ हालात है, किस तरह की तस्वीरें बनी हुई है। यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई है, रॉन्ग पार्किंग में जो है बाइकें लगी हुई है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से तवज्जा नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नजरसानी नहीं है। और उसके बाद होता क्या है कि ट्रैफिक जामिंग जो है यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है, यानी एक तरफ से पॉट होल है ही है, सड़कों का खतरा है ही है, उसके अलावा रॉन्ग पार्किंग की वजह से लोगों को भी दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप देख सकते हैं पूरे डोडा की क्या कुछ हालात है, दफा 144 लगने के बाद भी इस तरह की हालात है। एक दिन जो है डिपार्टमेंट आता है यहाँ पर, अपना जो है वो जलवा दिखाता है कि हम जो है काम कर रहे हैं, और उस दिन जो है इन गाड़ियों को निकाला जाता है, बाइकों को उठाया जाता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बाकी दिनों का हाल जो है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रह जाता है, और उसके बाद कोई भी पूछताछ नहीं है। ये है डोडा सिटी की हालात। और डोडा गाठ रोड की बात करें, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नगरी रोड की बात करें,
हॉस्पिटल रोड की बात करें, बर्थ रोड की बात करें, देसा रोड की बात करें, तुंदवा रोड की बात करें, यानी टाउन के अंदर जो है हालात काफी ज्यादा खराब है। कहा जाता है कि माई टाउन माई प्राइड है, लेकिन माई टाउन माई प्राइड तो है लेकिन कहाँ है वो, बस कागजों में है, क्योंकि ग्राउंड में जो है हालात ऐसी बनी हुई। आरएनबी विभाग ना ही तवज्जा दे रहा है, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जा दे रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार जो है यहीं से चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा भी यहीं से होता है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर डोडा हो या अन्य बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जो है लगातार यहां से चलते हैं। और उसके अलावा आरएनबी विभाग की बात करें तो उनके एसएन साहब भी यहां से चलते हैं, एससी साहब भी यहां से चलते हैं, लेकिन उन तक भी शायद ये तस्वीरें जो है नहीं पहुंचती है, उन तक भी जो है इन खड्डों की हालत जो है वो नहीं दिखती है। और उसके बाद पूरे सिटी के अंदर जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यानी साफ तौर पर यही कि आखिर डोडा के अंदर ब्लैक टॉपिंग जो है कब होगी, कब जो है डोडा के लोग जो है साफ सुथरी सड़क देखेंगे, कब डोडा के लोग जो है अच्छी सड़कें देखेंगे, लेकिन पिछले कहीं टाइम से देखने को मिला कि यहाँ पर अच्छी सड़क जो है नहीं बन पा रही है, और फॉर्मेलिटी के तौर पर जो इन खड्डों को फिल किया जाता है लेकिन टेम्परेरी बेस पे, और उसके बाद होता क्या है कि अगले दिन ही बारिश पड़ती है और ये सारे पॉट होल जो है फिर से वैसे हो जाते हैं, और बारिश जब पड़ती है तब लोगों की हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि चलना मुश्किल हो जाता है, सारा पानी जो है उनके कपड़ों पे आ जाता है, तो और कहीं ना कहीं इन पॉट होल की वजह से दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे, आखिर कब जो है यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग होगी वो भी देखने की बात है, और डिपार्टमेंट का खास तौर पर क्योंकि डिपार्टमेंट भी यहाँ से लगातार चलती है लेकिन डिपार्टमेंट भी इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करते। यानी आरएनबी विभाग को चाहिए कि डोडा टाउन की हालात भी जो है ठीक करें, कहीं टाइम से देखा ही गया कि इस चीज़ को नहीं देखा गया। अब लोगों का क्या कुछ कहना है वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मीद है डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई करेगा और जल्द से जो है सिटी के अंदर जो है ब्लैक टॉपिंग करेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? आशिक। आशीष जी क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह डोडा सिटी के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर जगह जगह जो है पॉट होल है, यानी खड्डे जो है भरे पड़े हैं, चाहे वो नगरी रोड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, अलग अलग इलाकों में जो भी आसपास के एरियाज पड़ते हैं, एडजॉइनिंग एरियाज, हालात काफी ज्यादा खराब है, इस पे क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ तो हर जगह खड्डे खड्डे दिख रहे हैं, आप टोन में खड्डे हैं तो बाकी रोडे कैसे हैं, यह बुरी हालत है यहाँ पे। कितनी दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, क्योंकि यार टोन में जब खड्डे हैं तो बाकी रोडों का कुछ हाल ही नहीं है। क्या लगता है कितने टाइम पहले यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई है? ये कहीं मैं तो 4 साल हुए मेरे को गाड़ी के साथ, 4 साल पहले हुई है, कहीं 4 के 5 नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। तो क्या लगता है कितनी जरूरत है खासतौर पर सिटी के अंदर मेंटेन करने की सड़क को? देखो अब टोन में तो होना चाहिए, क्योंकि टोन यहाँ पे है, टोन में तो रोड अच्छी होनी चाहिए, चलो बाकी जगह छोड़ो मगर टोन में अच्छी होनी चाहिए रोड, अच्छी रोड होनी चाहिए। हाँ तो क्या लगता है अच्छी रोड होगी तो कितना फायदा मिलेगा खासतौर ड्राइवर्स को भी, लोगों को? सर सब लोगों को फायदा ही होगा, जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो ये कैसी स्मार्ट सिटी, यहाँ टोन में ऐसे खड्डे हैं तो बाकी तो कोई बात ही नहीं है। उम्मीद क्या करते हो डिपार्टमेंट? सर यहाँ की कुछ उम्मीद नहीं है, बस यहाँ कुछ उम्मीद नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, नहीं है बिल्कुल ही नहीं। फिर भी थोड़ी बहुत कुछ कुछ नहीं। शुक्रिया। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? जावेद अहमद। जावेद जी क्या कुछ कहना चाहोगे, सिटी के अंदर जिस तरह की हालात बनी हुई है, पॉट होल काफी ज्यादा है, यानी खड्डे ही खड्डे बने हुए हैं, गाड़ियों का चलना मुश्किल है, इंसान का चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए शर्म की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को देखना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब कंटिन्यू यहाँ से रनिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन इनकी तरह कोई तवज्जो नहीं देता। आप देखिए गलियों में क्या हालत है, यहाँ पे मेन रोड है, ये सिटी का दिल माना जाता है, मेन चौक है यहाँ पे, तो हर जगह पे ये पॉट पड़े हैं, ज़्यादातर बारिशों में मुश्किलात होती है, क्योंकि जिस टाइम भी आप देखेंगे बारिशें आती है तो गाड़ी वाले जब भी चलते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, दूसरे बुजुर्ग लोग होते हैं, औरतें होती है, तो उनके कपड़े वगैरह पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले तो देखते नहीं है, क्या वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो उस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है, बूढ़े जो भी हमारे हैं या लेडीज़ सबको मुश्किलात होती है। उसके अलावा आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में रोज़ यहाँ पे चलते रहते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस है या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा है, तो लेकिन एक दो दिन चलते हैं उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, समझ नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा क्या करते हैं, जिससे आप हालांकि बहुत अच्छे हैं लेकिन दावे बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या लगता है सिटी के अंदर इस तरह की हालात बनी हुई है, नगरी का एरिया लिखा मेन टाउन की बात करो, हेडक्वार्टर है यहाँ पर, हेडक्वार्टर के अंदर इस तरह की हालात है, नगरी की हालात है, देसा रोड की हालात है, और बीच बस स्टैंड में अभी हम खड़े और यहाँ पर काफ़ी सा पॉट होल है, वही मैंने आपको बताया। आप देखिए मेन जो मैंने आपको पहले कहा, दिल माना जाता है इस एरिया को, क्योंकि मेन हर एक जगह से यहाँ पे गाड़ियाँ आती है,
तो नगरी की तो हालत ख़राब है। आप किसी महले की गलियों को आप देखें, चाहे आप ऊपर नेहरू चौक जाओ उसको देखें, तोंदवा की रोड देखिए, या नगरी जो हॉस्टल का रोड है, आप हॉस्टल पे वहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पे एक विजिट करें, वहाँ पे एक बाइट करें, वहाँ पे आप देखें क्या हालत है, पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है। कल की डेट में हमने देखा एक गाड़ी आई थी वो वहाँ पे ख़राब हो गई, आधे घंटे के बाद वहाँ पे दूसरी गाड़ी मंगाई गई जो कि पेशेंट शिफ्ट हो रहा था जम्मू के लिए। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन कही जाएगी। बहुत ही कितने टाइम पहले ब्लैक टॉपिंग हुई होगी और उसके बाद आज तक नज़रसानी कभी नहीं हुई? देखिए 2-4 साल पहले ये ब्लैक टॉपिंग हुई थी, कुछ टाइम पहले यहाँ नगरी में थोड़ी बहुत हुई थी, स्पॉट्स को बंद किया था, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल है। बारिशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं पहले बताया जिस तरह यहाँ पे बच्चे चलते हैं स्कूल के लिए, लेडीज़ें चलती है और बुजुर्ग चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर ब्लैक टॉपिंग होगी और इन पॉट होल को फिल किया जाएगा। देखिए जिस तरह से डीसी साहब काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा काम नहीं कर रहे, काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन इन चीज़ों पर नज़रसानी ही है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद आपकी रिपोर्टिंग से या लोगों के कहने से शायद उनके दिल में कोई रहम आ जाए और इन चीज़ों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, लोकल्स हैं लगातार यहाँ पर चलते हैं और जिस तरह सिटी की हालात बनी हुई है, जगह जगह पॉट होल्स हैं, यानी खड्डे जो है भरे पड़े हैं और कोई भी पूछताछ नहीं है, और पिछले कहीं टाइम से देखा ये गया है कि डोडा सिटी के अंदर जो है अभी भी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, और कभी अगर कभी होती भी है तो फॉर्मेलिटी के लिए उन पॉट्स को जो है फिल किया जाता है, लेकिन अच्छे से कभी भी फिल नहीं किए गए हैं क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर। उम्मीद है प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, आरएनबी विभाग से कि इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और जो दिक्कतें अभी सिटी के अंदर आ रही है इन दिक्कतों को और इस रोडों को खासतौर पर जो है ठीक किया जाएगा।